क्या आप बीजेपी छोड़ रही हैं? देखिए, मैंने फेसबुक पोस्ट हर साल की तरह गोपीनाथगढ़ पे मेरे पिता के पुण्य स्मरण में कार्यक्रम होता है उसके लिए किया था, और उसके बाद IBN, ABP माझा, Z24 तास, साम, TV9, इन सब चैनल ने बहुत अच्छा हेडलाइन लगाया कि पंकजा मुंडे व्यक्त होने वाली, अपने कार्यकर्ता से बात करने वाली। फिर शायद लोकसत्ता या लोकमत, इन दोनों पेपर लोगों ने ऐसा हेडिंग बनाया कि पंकजा मुंडे पार्टी छोड़ रही है, और इस हेडिंग की वजह से इस पूरी चर्चा को अच्छी दिशा मिल गई, जिससे मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता रही हूँ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए इतना अच्छा योगदान दिया है, मैं भी बहुत संघर्ष से यहाँ पे पहुंची हूँ, मैंने भी युवा मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर काम किया है, मैं विधायक के तौर पर विरोधी पक्ष में काम किया है, कोर कमेटी में रही हूँ, संघर्ष यात्रा निकाली है, पार्टी के लिए योगदान दिया है। इतना ही नहीं, मैं पराभूत भी हुई हूँ। तो आखिरी दिन पर शाम को 5 बजे तक मैं लोगों की सभाएं कर रही थी, मैंने पार्टी के दायित्व को संभाल कर अपना चुनाव लड़ा है। तो इसलिए मुझे बहुत व्यथित मैं फील कर रही हूँ कि ये चर्चाएं किसने उठी है। पहले मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, ऐसे प्रकार की चर्चाएं उठी गई पूरे महाराष्ट्र में 2014 में, फिर बाद में मैं अपने ही मन की मुख्यमंत्री हूँ, ये चर्चाएं मुझ पर लादी गई, और अभी मुझ पर ये लादा जा रहा है कि मैं कोई दबाव तंत्र यूज कर रही हूँ। मैं दबाव तंत्र यूज नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई पद से वंचित रहूं, इसलिए इस तरह की अफवाहें उठाई जा रही है। मैं बहुत व्यथित हूं। ट्विटर बायो पे भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी का सिंबल। और एक और एक और एक और एक चीज, मैं लास्ट, इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं 12 दिसंबर को बात करूंगी।